हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। नीट 2024 क्वालिफाई मार्क्स क्या रहेगा, कितने मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए जिसे आप अब्रॉड से या यहाँ किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं MBBS, BAMS, BHMS और BDS के लिए, तो उस पर हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। और ये मेरा प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, तो हम आपको डाटा दिखा रहे हैं कि कितने मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए, क्वालिफाई मार्क्स क्या रहेगा, इस बार मिनिमम मार्क्स आपको कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। और खास करके अब्रॉड वाले स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं, तो देखिए लास्ट 7 ईयर का डाटा देखिए आप, 2018 119 नंबर जनरल कैटेगरी का था, ओबीसी एसटी का 96 था, 2019 में 134 था, 107 ओबीसी के लिए था, 2020 में 147, ठीक है, और ओबीसी के लिए 113। तो ये जो नंबर देख रहे हैं ये 2020 में गया था, 2021 में 138 कम हो गया था, 108, 2022 में और कम हो गए थे 117 क्योंकि पेपर हार्ड आए थे, और ये 93। नीट 2023 में देखेंगे 137 गया था, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 107। अब 2024 में क्या जाएगा, ठीक है, ये सवाल उठता है। और ये जो नीट 2023 जो बच्चे अटेम्प्ट किए हैं या अब्रॉड से करना चाहते हैं उनकी 3 ईयर तक वैलिड होता है, वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड की, तो देखिए यहाँ आपको दिया हुआ 50% चाहिए होता है अनरिजर्व के लिए, एसटी ओबीसी 40% दिख रहे हैं आप ध्यान से देखिए, और ये कट ऑफ मार्क्स है आपके जो मैंने आपको दिखाया है 2019 2020 2021 2022 23, ठीक है ना, यहाँ पे आपके 5 साल के डाटा है, ठीक है। अब इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, मैं आपको ये आपके स्क्रीन पे रहा, ठीक है दोस्तों। 2024 में अगर आपके मार्क्स 145 प्लस माइनस 10 मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है, तो अगर इतना आ रहा है जनरल कैटेगरी में है आप, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। ओबीसी एसटी एससी 115 प्लस माइनस 10, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपके 2024 के लिए, ठीक है। और देखिए अब्रॉड से या इंडिया में कहीं से भी आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोवेस्ट कंसल्टेंसी चार्ज की सर्विस की गारंटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और कंपेयर करें देन बिलीव करें, और ये हमारी टीम है और ये कॉन्टेक्ट नंबर है जिसपे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।